नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही हम मैम का भी स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम अभी तो कर्म कर लेते हैं इस जन्म में, तो हम उसको अगले जन्म में हम उसको कैसे कैरी कर लेते हैं कर्मा को? हमारा जैसे पूरा टॉपिक इस पे चल रहा है ना जी, कि मैंने कुछ कर्म इस कर जन्म लिए। में कर लिए है जी ना, और ये ऐसे काम करता है कि मैंने इस जन्म की बात करते हैं कि जी मैंने ये काम किया, मैंने अच्छे कर्म कर कर करते करते हम जो डिस्कस कर रहे थे, तो दिस इज़ लाइक मैं प्लस टू तक अच्छे मार्क्स के साथ मैं पास होता रहूं, उसके बाद पूरी ज़िंदगी मैंने अच्छे कर्म किए, उसके बाद जब मैं डेथ बेड पे हूँ, डेथ बेड जो है आप सोचो कि नीट का एग्ज़ाम है, उसमें अगर मैं फेल हो गया तो मैं फेल हूँ, मेरी नहीं होगी, मैं 12वीं तक मेरे अच्छे भी मार्क्स आए होंगे, बट मैं अगर नीट में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो नीट क्या है, डेथ बेड या नियर डेथ एक्सपीरियंस जो उस टाइम पे हमारा चलता है, अगर मैं उस टाइम पे उसमें फेल हो जाता हूँ तो मैं फेल हो जाता हूँ, तो वहां पे मेरी उस टाइम पे क्या, इसीलिए बोलते हैं कि आप खुद को स्पिरिचुअल थॉट्स दो उस टाइम पे, आप भगवान का नाम लो, आप पाठ करो, आप अपने जो दिमाग को इधर उधर मत घुमाओ है ना, तो क्योंकि उस टाइम पे मेरी जो वो इंटेंशंस होंगी, इंटेंशंस आर माय प्रवृत्ति, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को क्या चाहिए, अगर मेरी उस टाइम पे अनफुलफिल्ड डिजायर्स रह जाती हैं तो वो हैवी हो जाती हैं उस टाइम, मैं अगर उस टाइम सोच रहा हूँ तो वो मेरी नीट के कोर्स में हम लोग समझ लेते हैं मोटा मोटा कि वो नीट के कोर्स में वो सारी चीजें मेरी प्रबल फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आ जाती हैं इंस्टेड ऑफ मेरे अच्छे मार्क्स जो मेरे पहले अच्छे कर्मों के आते रहे हैं, तो ये चीजें उस टाइम पे ऊपर सुपरफिशियल आ जाती हैं, सुपरफिशियल चीज होती है जो हमेशा ऊपर रहती है ना, तो सबसे पहले वो मैनिफेस्ट होती है, और उस ये सारी प्रवृत्तियां, अब मेरे को उस टाइम पे आया कि मैंने जो चीज अचीव करनी थी मेरे को इस चीज की कमी रह गई, मेरे पास पैसा कम रहा, मेरे पास फैसिलिटीज कम रही, या किसी को लगा नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, लोग इतनी ऐश करते हैं मैं नहीं कर पाया, किसी को लगा कि मैंने स्पिरिचुअलिटी में और आगे जाना था मैं वो उतना नहीं कर पाया, सो डिपेंड्स अपॉन कि भाई मेरा उस टाइम पे क्या थॉट था, क्या मेरा था? स्पिरिचुअल थॉट था, मेरी अच्छी डीड थी, मेरा क्या सोचना, मुझे क्या, मैं किस चीज पर पश्चाताप कर रहा था कि मेरे जिंदगी में मैंने ये चीज इंजॉय नहीं करी, लाइक बहुत हो गया वो यही चीज, मैं बैंकॉक नहीं गया या मैं सिंगापुर नहीं गया, तो मैं आदमियों की मोस्टली ये जो सारी चीजें रहती है, तो और औरतों में भी कई बार होता है कि मैंने ये चीज इंजॉय नहीं करी, मैं तो काम ही करती रह गई है ना, मैं तो सबकी सेवा करती, लेडीज मोस्टली ऐसे ही होती हैं, जी, मैंने सबका अच्छा किया मेरे साथ बुरा हुआ, बुरा तो व्हाट आर द थॉट्स, मैं अगर सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से और मैं भगवान का नाम ले रही हूँ कि भाई बहुत अच्छा किया जो तुमने मेरे को जिंदगी दी, बहुत लोग हम लोग देखते हैं ओल्ड एज में जब जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट के मेरे को जितनी पावर दे की एक कितनी वोल्टेज दे के भगवान ने मुझे भेजा है, मैं उतनी वोल्टेज कंज्यूम कर रही हूँ, कंज्यूम कर ठीक है, तो कंज्यूम कर रही हूँ, एंड में आके मुझे ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट बनाते हैं, और क्या बच गया, वो जो मेरी इच्छाएं बच गई वो कैरी फॉरवर्ड हो गई, ठीक है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं और आगे जाके मेरी वृत्ति वैसे बन गई, मुझे अगर अब ये वृत्तियां वो कैसे इफेक्ट करती हैं है ना, वो जी वृत्ति क्या है, दे आर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्मा, अगेन दे मतलब अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जी अगर मेरे को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है हम तो मेरे उसमें वैसे भाव आते हैं, तो मेरे जो यूनिवर्स को मैं जो भेजता हूँ वो पॉजिटिव वाइब्स भेजता हूँ मैं, एवरीथिंग हैज ए वाइब है ना, तो वो मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरे को अच्छे ऐसे पेरेंट्स मिले जहाँ पे मैं जाके फिर पाठ पूजा कर सकता हूँ, अगर तो उसकी खत्म हो गई एंड ही हैज रीच टू द साल्वेशन, जो हम लोग बोलते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, मोक्ष जहाँ पे मेरे प्लस एंड नेगेटिव, मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा दे आर इक्वल या पॉजिटिव हो गए ज्यादा, तो वहां पे मेरा वो जो सिम कार्ड की बात कर रहे थे वो क्लीन हो गया, तो मेरा खत्म हो गया है ना, उसके बाद डिपेंड करेगा मैं कोई फोर्स और बचती है तो वो अगेन जन्म लेना चाहती है नहीं, अदरवाइज तो इतनी आत्माएं इतना सब कुछ चल रहा है सिस्टम में,
तो शायद वो सब क्लीन हो जाता है ना, फिर वृत्तियां शुरू होती होंगी, फिर वो अभी किसी ने नहीं देखा, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनकी कर रहे हैं, है ना। अगर मेरी कोई वृत्तियां नेगेटिव रह गई, मुझे पैसे की लालसा है, मतलब ग्रीड, ग्रीड किसी चीज की भी बुरी है ना, मुझे उसमें थोड़ा चाहिए तो थोड़ा तो हर एक को चाहिए, मुझे उसमें ग्रीड आती है कि मेरे को इतना एक्यूमुलेट करना चाहे उसको, उसके लिए मेरा मुझे किसी का मर्डर करना पड़े, तो मर्डर करने के साथ एक नेगेटिव प्रवृत्ति आ गई है ना उसमें, तो वो नेगेटिव वाइब्स जनरेट करेगी। यहाँ पे आ जाता है नहीं मुझे पैसा तो चाहिए बट मैं उसके लिए बुरे काम नहीं करूंगा, तो वो पॉजिटिव ही आएगी। तो हर चीज एक अपने साथ है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज हैं जो वर्क करती हैं हर जगह, दिस इज द साइंस बिहाइंड, और इसी के ऊपर हर चीज काम करती है वो। इसके बाद मेरी बॉडी की फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो दिस इज ऑल द एनर्जी, प्रवृत्ति, एप्टीट्यूड। अब देखो कि जब हमारे जब बच्चों के एग्जाम भी होते हैं या हम लोग बोलते हैं कि इसको कौन सा फील्ड लेके देंगे हम लोग, बच्चा बड़ा होता है तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, दैट एप्टीट्यूड इज द प्रवृत्ति कि ये किस फील्ड में जाना चाहता है, ये किस फील्ड में जाके बहुत एक्सेल करेगा, तो वो प्रवृत्तियां हैं। मेरे को पैसे की हुई तो मैं इधर गया, तो मैंने मेरे जो शुक्र वो डोमिनेंट हो गया। अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी की हुई तो मेरा गुरु डोमिनेंट हो गया आगे, और उसके इसके साथ ही और बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं कि वो मेरे जो केमिकल सिग्नल्स की हम लोग बात करते हैं वो सारी चीज़ें हैं कि यूनिवर्स से मैं वो कैसे उससे रिलेट करता हूँ। सो ऑल दीज आर यू नो केमिकल्स और एलिमेंटल स्टेटस जो मेरे को एयर एलिमेंट देते हैं, जो मेरे को अर्थ एलिमेंट देते हैं, आउट ऑफ फाइव एलिमेंट्स किस एलिमेंट की तरफ मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ हूँ उसी हिसाब से फिर मेरी बॉडी बनती है। अब बॉडी जब बन जाती है तो बाय डिफॉल्ट ही उसमें सारी वृत्तियाँ आ जाती हैं। यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल ही रहने देनी चाहिए, मतलब नैसर्गिक जो चीज़ रहती है उसमें उतना ही सारी चीज़ें मेरे हिसाब से वो सारी सटल होती हैं, तो सारी सटल होती हैं। अगर हम हर चीज़ को आर्टिफिशियली लाइक अगर आगे हम लोग बात करेंगे कि जो सिजेरियन आजकल बाय चॉइस करते हैं तो वो कितने सक्सेसफुल होते हैं, आगे हम लोग वो टॉपिक लेते हैं। साथ ही अगर और भी बातों को आप जानना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आप हमारे पाया सेवेदा को फॉलो कीजिए, मैम का नंबर मेंशन है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं और खुद बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।